तो जैसा कि आपको पता है सर, हर स्टूडेंट से अपन लाइव काम करा के दिखाते हैं और उनका नंबर भी देते हैं ताकि जो देखने वाले अपने व्यूअर्स हैं उनको कॉल करके पूछ सकते हैं। और देखने के साथ साथ मुझे भी दिख रही है थोड़ी बहुत, इधर से बोर्ड ये टूटा हुआ लग रहा है, क्या यही प्रॉब्लम है, कुछ और है वो जानते हैं। ये अभी बोर्ड टूटा हुआ है। ओके, कस्टमर को डेटा इम्पोर्टेंट है, इस वजह से इस बोर्ड पे हम वो स्वैप कर रहे हैं। तो आज ये जो आपके पास फोन है इसके अंदर क्या करके दिखाने वाले हैं आप? सर, इस पे प्रॉब्लम है, डेट आया था सर के पास। ओके, मेरे को दिए फोन बनाने के लिए। ठीक है सर, इसमें प्रॉब्लम है, एम्प मीटर पे 0.10 पे स्टक है। ओको, और ये फोन कहाँ से लाए आप? मतलब आप अपने साथ लेकर आए इंस्टीट्यूट की तरफ से? हाँ, मैं उधर से कस्टमर का है मेरे दुकान, मतलब आपके कस्टमर का ही हैंडसेट। हाँ। है तो लाइव कर सकते हैं इसे आप? हाँ, लाइव कर सकते हैं। और ये जो आपके हाथ में इस टाइम पे हैंडसेट है, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है सर? सर, ये रेडमी 9 फोन है और इसमें एमरजेंसी मोड की प्रॉब्लम है, इसमें नेटवर्क नहीं आता। ये देखिए सर, नेटवर्क आ गया है, एयरटेल का 4G। देखो ये रहा यहाँ से, ठीक है, बैक साइड में। ओके, सीपीयू में 3 नंबर के पॉइंट पे जंपर गया है। तो भाई एक हैंडसेट है, इसके अंदर प्रॉब्लम है, ये काफ़ी देर से लगा रखा है और ये चार्जिंग नहीं हो रहा, इसी टाइप का लोगो आ रहा है, तो इसके अंदर सर प्रॉब्लम क्या है? सर, इसके अंदर रैम और सीपीयू का प्रॉब्लम रहता है, मोस्टली तो रैम का ही प्रॉब्लम रहता है। ओके, मगर रैम सीपीयू दोनों ही साथ में हम रिवॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मालूम पड़ा दिल्ली से सीख कर भी कुछ नहीं सीखा, यहाँ पर आए। ओके, है दिल्ली से सीखने वाले भी यहाँ पर आके सीख रहा है। सर, आप सबसे पहले ये बताइए कैसे पहुँचे यहाँ पर? स्टूडेंट के नंबर रहते जी, मैंने उनसे भी राय ली, मैंने आपसे भी पर्सनल राय ली जी, सभी ने एक ही चीज बोले, भैया हार्डवेयर अगर सही सीखना है तो आप सिर्फ आरिफ सर के पास चले जाओ, आईफिक्स मोबाइल इंस्टीट्यूट। और मैं दूसरे इंस्टीट्यूट भी गया था, उनका बात करने का लहजा अलग था सर। ओके, इनसे मिलके इनका बात करने का लहजा अलग था, इन्होंने बोले कि तुम नहीं सीखे तो मैं 25 दिन में रिटर्न पैसे दे दूंगा। सर, आप यहाँ पे कैसे पहुँचे सर? सर, मैंने आपकी वीडियो देखी थी। ओके, और मैं वीडियो देखने के बाद मेरे महाराष्ट्र में जो बंदा है उसको कॉल करके पूछ लिया आरिफ सर का। ओके, तो उसने कहा कि आरिफ सर बेस्ट है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी। जैसे कि आप सब जानते हैं, कुछ नई नई जानकारियां मैं आपको देता रहता हूं, तो भाई आज की वीडियो भी जबरदस्त रहने वाली है, क्योंकि मैं हर वीडियो के अंदर कोशिश करता हूं कि स्टूडेंट का काम के साथ साथ मोबाइल नंबर एंड उनका एड्रेस भी होना चाहिए, जिससे कि काफी भाइयों को लगता है कि यार कोई फेक वीडियो तो नहीं है, वो अपने आसपास में किसी भी जगह से होंगे, वो उनसे रिव्यू वगैरह ले सकते हैं, और रिव्यू लेने से अच्छा तो अपना काम लेके जाइए, उनसे डन कराइए, तब आपको खुद आइडिया लग जाएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है, तो हर बारी की तरह स्टूडेंट हमें लाइव काम करके दिखाने वाले हैं, लाइव काम के साथ साथ जो अपने साथ हैंडसेट लेकर आए तो वो तो बनाकर दिखाने वाले हैं, इंस्टीट्यूट की तरफ से कौन कौन से हैंडसेट मिले वो भी हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो जो भी वीडियो रहने वाली है वो बिल्कुल लाइव रहने वाली है, और यहाँ पर हर जगह से कोई ना कोई, मतलब हर स्टेट से कोई ना कोई स्टूडेंट यहाँ पर इस टाइम पर मौजूद है। तो चलिए टाइम को शॉर्ट करते हुए फटाफट से आरिफ सर से हम पता करते हैं कि आज क्या नया है हमारे भाइयों के लिए। तो सर बताइए। पहले तो थैंक यू सर, वेलकम सर। जैसा कि आपको पता है सर, अपन एंड्रॉइड और आईफोन की ट्रेनिंग देते हैं, एंड्रॉइड की फीस 30,000 है, एप्पल और एंड्रॉइड की फीस 60,000 है, जो कि इधर पूरे भाई लोग आए हैं अभी। कैसा लगा आप लोग को? बहुत अच्छा है, जितनी फीस आपसे लिया गया है वो वर्थ इट है, आप जो सोच के आए वो आपको मिला या नहीं मिला? सेटिस्फाई है सब जने? बिल्कुल। तो किसी भाई को ये तो नहीं लगता कि इससे ज्यादा फीस, किसी की अगर 1000 रुपए फीस होती तो इससे ज्यादा नॉलेज मिलती? नॉलेज ज्यादा है, नॉलेज ज्यादा दी, मतलब पैसे अगर फीस को देखा जाए फीस कम है, और नॉलेज को देखा जाए तो नॉलेज बहुत ज्यादा है। चलिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई भाई ऐसे होंगे इस वीडियो को देख रहे होंगे, मन बना के बैठे होंगे, बजट भी अच्छा खासा ज्यादा होगा तो ज्यादा भी बजट आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है, कम बजट में अगर आपको अच्छी चीज मिलती है तो वो ले लेनी चाहिए। और सर बताइए कुछ? तो जैसा कि आपको पता है सर, हर स्टूडेंट से अपन लाइव काम करा के दिखाते हैं और उनका नंबर भी देते हैं ताकि जो देखने वाले अपने व्यूअर्स है उनको कॉल करके पूछ सकते हैं कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, कैसा
25 डेज में क्या क्या सिखाया उनको, आज जाके आप काम कर सक रहे नहीं कर सक रहे बोल के, उसलिए पूरी ऑनेस्टी के साथ में अपन हर स्टूडेंट का नंबर देते हैं सर। किसी इंस्टीट्यूट में देखने को नहीं मिलेगा हर स्टूडेंट का नंबर, ये तो क्योंकि अपन देते हैं, ठीक है ना। ये तो ये खासियत है कि भाई देखो कोई भी इंस्टीट्यूट है अगर उसके अंदर अगर वीडियो वो बनाते भी है या कुछ भी करते हैं अपनी जगह पे सारे के सारे बढ़िया है, बहुत अच्छा वो रिजल्ट दे रहे हैं, बाकी स्टूडेंट का ना तो आपको एड्रेस मिल सकता है और ना ही उनका फोन नंबर मिल सकता है। यहाँ पर तो भाई देखो इंस्टीट्यूट के साथ साथ स्टूडेंट को भी हम प्रमोट करते हैं कि स्टूडेंट क्यों पीछे रहे, कोई आसपास में अगर उनका कोई काम है कोई उनसे नहीं कर पा रहे मतलब आसपास में, वो उस स्टूडेंट से अपना काम डन करा सकते हैं। तो ये भी भाई एक बहुत अच्छी आपके लिए खुशखबरी रहने वाली है। तो सर फटाफट से फिर वीडियो को स्टार्ट करते हुए हमारे भाइयों को दिखाइए कि क्या क्या आज काम दिखाने वाले हैं। बिल्कुल सर। भाई एक फोन हमारे पास है, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, अब वो क्या प्रॉब्लम है चलिए सर से जानते हैं, सर दिखाएंगे और देखने के साथ साथ मुझे भी दिख रही है थोड़ी बहुत, इधर से बोर्ड ये टूटा हुआ लग रहा है, क्या यही प्रॉब्लम है कुछ हो रहे वो जानते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्रेयस है। कहाँ से सर आप? मैं सातारा महाराष्ट्र से हूँ। बिल्कुल सर। सर इसके अंदर क्या चीज करके दिखाने वाले हैं आप? ये अभी बोर्ड टूटा हुआ है। ओके। कस्टमर को डेटा इम्पोर्टेंट है, इस वजह से इस बोर्ड पे हम वो स्वैप कर रहे हैं। तो ये बोर्ड पहले से ऑन तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा, हाँ उस पे तो सीपीयू वगैरह कुछ है ही नहीं। बहुत अच्छी बात है, तो आप ये कर सकते हैं? हाँ कर सकते। तो इससे पहले कर पा रहे थे इंस्टीट्यूट ज्वाइन होने से पहले? ये कोई मॉडल में नहीं हो रहा था, जो ब्लैक पेस्टेड है उसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। ओके। अभी सब क्लियर है मेरा। इससे पहले कुछ किया आपने यहाँ पे? हाँ मैंने 5 डबल डेकर किए, आरिफ सर ने 3 दिए हुए थे, मेरे खुद के 2 थे। जो आपके खुद के 2 थे वो कस्टमर के थे या आपके पर्सनल? कस्टमर के थे। मतलब उसके अंदर भी कुछ ना कुछ आपने अर्निंग करी होगी? हाँ की है। और दूसरे वाले भी 3-4 फोन थे वो भी बना लिए। बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा आइडिया बताएंगे कि क्या क्या काम किया है आपने, एक थोड़ा सा आइडिया? एक लाइट का था। ओके। वो बना दिया है। ठीक है। फिर EMMC प्रोग्रामिंग था। ओके। वो भी बना दिया है आपने खुद करे? हाँ खुद करे। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो ये हमारे भाइयों को लाइव करके दिखा सकते हैं? हाँ कर सकते। ठीक है सर कीजिए। ओके सर कैसे किया थोड़ा सा बताएंगे क्या क्या किया आपने इस पर? इसका रैम CPU और UFS इस बोर्ड पे स्वैप कर दिया। ओके। ये डैमेज था पहले से? हाँ। ये भाई देखो इधर से कहीं से टूटा हुआ है, ये इधर से देखो टूटा हुआ है। ठीक है, तो ये आप अपने शॉप पे काम कर सकते हैं? हाँ कर सकता हूँ। तो आपका मोबाइल नंबर क्या रहेगा? 8421398981। और आपकी शॉप? मेरी शॉप सातारा में महाराष्ट्र। ठीक है। सिया कम्युनिकेशंस। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपने लाइव काम करके दिखाया। ठीक है सर। ओके थैंक यू। तो भाई वीडियो को कंटिन्यू करते हुए एक भाई हमारे साथ हैं, इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, उसके ऊपर स्टिकर भी लिखा हुआ है, चलिए जानते हैं कि उस स्टिकर पे क्या लिखा है। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम है सैयद सहवाज अली। कहाँ से सर? मैं सर वेस्ट बंगाल पश्चिम मिदनापुर जिले के नाड़ादो गाँव से हूँ। तो आज ये जो आपके पास फोन है इसके अंदर क्या करके दिखाने वाले हैं आप? सर इस पे प्रॉब्लम है, डेट आया था सर के पास। ओके। मेरे को दिए फोन बनाने के लिए। ठीक है सर। इसमें प्रॉब्लम है,
एम्प मीटर पे 0.10 पे स्टक है सर, हमको डायरेक्ट सॉल्यूशन में लिखा है बोल के, बोर्ड जो बोर्ड फ्रेश रहेगा ऐसा अगर रेटिंग ऐसा अगर स्टक हो इसका डायरेक्ट सीपीयू रिवॉल्व करना है। यह आपने इसके अंदर लगाया, बैटरी कनेक्ट करी और इसकी एम्प की अगर बात करें 0.10 तो ये कर सकते हैं आप? जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। लाइव करके दिखाएंगे? जी सर एकदम। ठीक है दिखाइए सर। सर पहले चार्जिंग एम्पियर 10 पे स्टक था 0.10 पे, अभी 1.6 ले रहा, नॉर्मल ले रहा है चार्जिंग। ठीक है ऑन होगा कर पूरा? जी सर पूरा ऑन होगा। तो आपका मोबाइल नंबर और शॉप का एड्रेस क्या रहेगा बताएंगे? जी सर मेरा शॉप का एड्रेस है पश्चिम मेदनापुर ज़िले में, वेस्ट बंगाल के पश्चिम मेदनापुर ज़िले में नैड़ादौल ग्राम में। ओके। हाँ शॉप का नेम है एआर जॉन मोबाइल सेंटर। ठीक है। मोबाइल नंबर 9932263688। इससे पहले आपने क्या बनाया है यहाँ पर? जी सर मैंने एक डबल डेकर किया है, खुद का था वो सर, मैं कस्टमर का लाया था। मतलब कस्टमर आपके कस्टमर का था? जी सर। तो वो डन हुआ? जी सर ये डन हो गया। सर ने करके दिया है, आपने खुद किया? नहीं सर मैं खुद किया, सर ने पहले दिखाया डबल डेकर का क्लास में, उसके बाद सर मैं खुद ऑन किया इसको। ओके जी सर। तो ये जो शॉप पे ये जो हैंडसेट आप लेकर आए, पहले आपने शॉप पे ट्राई किया था क्या? जी सर मैंने ट्राई किया था लेकिन सर वो हीट वीट मारा था, जैसे पहले मैं जैसे करता था वैसे हीट वीट मारा था, उसके बाद यहाँ पे आके वो बनाया सर। अब यहाँ से जाने के बाद हीट मारने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? नहीं सर अभी प्रॉपर हुआ हमको मिल गया सर कैसे काम करने का है। ओके जी सर। और इसके अलावा और कोई हैंडसेट? जी सर और भी दो हैंडसेट है। इसमें क्या प्रॉब्लम थी? सर ये भी डेट थी। साथ में लेकर आए थे ये भी? जी सर ये दोनों साथ में लेके आए थे। ऑन करके बताओ। कस्टमर के हैं आपके? जी सर दोनों ही कस्टमर के। प्रॉब्लम डेड दोनों डेड थे ये? जी सर ये दोनों डेड थे। किस तरह से बनाए इन्हें आपने, थोड़ा सा बताएंगे? थोड़ा सा आइडिया देंगे? सर डीसी रीडिंग पे स्टक आ रहा था और ये यूएफएस वाला फ़ोन है। ओके। सिंगल सीपीयू का फ़ोन है। ओके। इसके लिए सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ा। अच्छा जी सर। इसमें कस्टमर का पूरा डाटा इंपोर्टेंट था, सब बच गया। सब बच गया जी सर। तो काफ़ी भाई कमेंट कर देते हैं कि हर चीज़ सीपीयू से होती है, तो क्या ये रियल बात है? एंड्रॉयड में 80% सीपीयू से ही डन होता है। ओके भाई हमारे पास एक नोटेड फ़ोन, इसके अंदर चार्जर वगैरह लगा दे तो डिस्प्ले वगैरह पे लाइट नहीं आ रही है और ग्राफिक वगैरह की इसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए सर से जानते हैं इसको किस तरह से रिपेयर करने वाले हैं। तो सर आप अपना नाम बताइए। सर मैं सचिन। कहाँ से सर? से। ओके महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र हैं आप। हाँ। तो एक चीज़ बताइए इस फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम क्या है सर? सर इसमें लाइट और ग्राफिक नहीं आ रहा। तो इसको किस तरह से रिपेयर करने वाले हैं आप? लाइन चेक करके। ओके और ठीक करूँगा इसको। और ये फ़ोन कहाँ से लाए आप? मतलब आप अपने साथ लेकर आए इंस्टीट्यूट की तरफ से? हाँ मैं उधर से कस्टमर का है मेरे दुकान। मतलब आपके कस्टमर का ही हैंडसेट है। तो लाइव कर सकते हैं इसे आप? हाँ लाइव कर सकते। ठीक है सर दिखाइए। कैसे बनाया सर आपने बताएंगे? सर ग्राफिकल लाइन कट था। ओके ऑटो डैमेज की वजह से कट था, वो लाइन बना दिया। लाइन बनाया आपने? हाँ। तो वो स्मेटिक में देख के आपने लाइन बनाया? हाँ स्मेटिक बना। बिल्कुल वो। और एक चीज़ बताइए इससे पहले भी कुछ हैंडसेट बनाए यहाँ पर? हाँ बनाए। दिखाएंगे सर? A50 है। प्रॉब्लम क्या थी इसमें? एयर डेट था। ओके डेट था। तो यहाँ पे सर ने बना के दिया या आपने खुद बनाया? नहीं मैंने बनाया। आपने खुद बनाया। हाँ। और सर इसके अलावा? ये छेड़ा हुआ फ़ोन था। ओके मतलब बाहर अदर शॉप से रिटर्न आया था। ठीक है कंप्यूटर मतलब
शॉर्टिंग ये था सब ये बनाया मैंने इधर, और इसका नेटवर्क का प्रॉब्लम था। ओके, तो इसमें नेटवर्क आ गया सर? हाँ आ गया। परफेक्ट, बहुत अच्छी बात। आपकी शॉप का एड्रेस सर क्या रहेगा? सर सतारा में श्री मोबाइल। ओके, और मोबाइल नंबर? 8668354788। बिल्कुल, और ये आपका मोबाइल नंबर जो स्क्रीन पे चल, मतलब आपने अभी बताया, अगर कोई भाई आपको कॉल करते हैं या मोबाइल का काम कराने के लिए आते हैं तो कर सकते हैं ना? हाँ। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ओके। तो भाई एक फ़ोन हमारे पास है, देखो इसके अंदर क्या दिक्कत है, अभी बात करते हैं। देखो बिल्कुल ऑन फ़ोन है, चलिए एक बार प्रॉब्लम जानेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम सुखविंदर सिंह है। कहाँ से सर आप? मैं पंजाब से हूँ, रोपड़ डिस्ट्रिक्ट से। ओके, और ये जो आपके हाथ में इस टाइम पे हैंडसेट है, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है सर? सर ये रेडमी 9 फ़ोन है, और इसमें एमरजेंसी मोड की प्रॉब्लम है, इसमें नेटवर्क नहीं आता। नेटवर्क नहीं आता? नहीं। तो इसे रिपेयर कर सकते हैं आप? हाँ जी। तो ये हार्डवेयर से होने वाला है या सॉफ्टवेयर से? हार्डवेयर से। हार्डवेयर से होने वाला है। तो यहाँ पे आपने इससे पहले भी कुछ हेडसेट वगैरह बनाए? हाँ जी। तो इंस्टीट्यूट की तरफ से भी मिले थे या खुद अपने साथ लेकर आए थे? सर ने भी दिए मेरे को, तो मैं अपने साथ वही लेकर आया था। ओके, तो इसको आप लाइव बना के दिखा सकते हैं? हाँ जी जरूर। ठीक है सर, कीजिए। इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है, एयरटेल का सिम डाला हुआ है। ओके, तो इसमें एमरजेंसी मोड में रहता है, तो ये मैं आपको लॉक लगा देता हूँ, ये देख लीजिए ऊपर ओनली एमरजेंसी रहेगी। ओके ओके, तो इसमें कोई भी सिम डालो तो रेंज नहीं आ रहा। ठीक है, दिखाइए सर। नहीं, साइड में आ रहा है 1.2। ये देखिए सर, नेटवर्क आ गया है, एयरटेल का 4G। तो कैसे किया सर, बताइए इसके बारे में। सर इसमें नेटवर्क आईसी का दिक्कत था। ओके, तो नेटवर्क आईसी ट्रेस करके चेक किया, तो उसे चेंज किया तो नेटवर्क आ गया। ओके, तो ये फॉल्ट जो आपने किया है आगे भी कर सकते हो? जी सर। किसी भी फ़ोन में? हाँ जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। इससे पहले भी कुछ बनाया आपने यहाँ पे? हाँ जी सर। बताएंगे थोड़ा सा? मैंने मुझे डबल डेकर दिया था। ओके, तो मैंने वो कंप्लीट किया, तो मैं 6-7 फोन अपने लेकर आया था साथ में। ओके, वो भी कंप्लीट हो गई। वो भी कंप्लीट है? हाँ जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपकी शॉप कहाँ पर है? मेरी शॉप रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में मियाँपुर पिंड है। ओके, तो वहाँ पर मेरा सुख मोबाइल के नाम से शॉप है। ओके, और मोबाइल नंबर क्या रहेगा आपका? 8360531882। ठीक है, अगर आपके पास कोई हैंडसेट वगैरह लेकर आते हैं तो काम करके दे सकते हैं? जी सर जरूर करें। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये नोट 7 प्रो हैंडसेट है। ओके, इसमें सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में अबाउट फोन में, इसमें बेस बैंड अननोन। ओके, तो ये किस तरह से होने वाला है सर, बताएंगे थोड़ा सा? सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिवराज साळुंके है। शॉप कहाँ पर है सर? शॉप सातारा महाराष्ट्र में है, कॉम्पैक्ट सॉल्यूशन नाम से। बिल्कुल सर। तो सर इसके अंदर प्रॉब्लम जो अभी आ रही है अननोन बेस बैंड की, तो वो किस तरह से रिपेयर करने वाले हैं? सर पहली बार तो सॉफ्टवेयर करके मैंने चेक किया है। हाँ हाँ, इसमें सॉफ्टवेयर करके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, वो सॉफ्टवेयर से रहती है बेस्ट अननोन में, लेकिन अभी इसमें हार्डवेयर की प्रॉब्लम है। ओके, पहली बार पैड वैल्यू चेक करेंगे, उसके बाद शॉर्टिंग चेक करेंगे, इसमें कुछ शॉर्टिंग है क्या है। ओके, वो चेक करेंगे। तो कर सकते हैं आप इसे? हाँ, यस सर। इससे पहले भी कुछ हैंडसेट बनाया आपने यहाँ पे? सर बहुत सारे हैंडसेट बनाए हैं। ओके, 8 साल से काम कर रहा था, लेकिन गलत तरीके से काम कर रहा था। ओके, सर के पास से आके एक कॉन्फिडेंस दे दिया कि सर ने क्या करना है, वैल्यू चेक कैसा करना है जी, मल्टीमीटर कैसा चलाना है। ओके, ये सर ने सिखाया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आप ये लाइव करके दिखा सकते हैं हमें? हाँ, ये तो हैंडसेट कर रही है। ठीक है सर, दिखाइए।
बेसबैंड शो करने लगा। तो भाई बेसबैंड वाली बात है, बेसबैंड शो कर रहा है, ये डायरेक्ट ऑन करके दिखा रहे हैं इसलिए कि जंपर वगैरह ना टूट जाए। तो चलिए मैं आपको जंपर कहाँ लगाया है वो भी मैं दिखाऊंगा, उससे पहले नेटवर्क वगैरह दिखा देते हैं। देखो भाई नेटवर्क वाली बात है, नेटवर्क भी आ गया वहाँ पे, 4G का निशान भी आ गया। तो सर कैसे किया है आपने? SDRIC से एक लाइन मिस हुआ था। ओके। वो सीधा CPU में जा रहा था। अच्छा। क्यूलिंग का लाइन जो था वो CPU में जा रहा था। ओके। वो मिस हुआ था। ठीक है, तो दिखाएंगे एक बार कौन सा लाइन था वो। तो भाई माइक्रोस्कोप के अंदर मैं दिखाता हूँ आपको कौन सा जंपर था। देखो ये रहा जंपर। से ठीक है, बैक साइड में CPU में तीन नंबर के पॉइंट पे जंपर गया। अच्छा, CPU में तीन नंबर के पॉइंट से जंपर निकाल के वहाँ पर लगाया है, तो ये ऑन हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपने पहले भी कुछ किया है यहाँ पे? किया है बहुत सारे इनसे। ओके, तो आपका मोबाइल नंबर क्या रहेगा? 750 जी 777-77467। ठीक है, और एड्रेस क्या रहेगा शॉप का? सातारा महाराष्ट्र जी, कॉम्टेक्स सॉल्यूशन शॉप। ठीक है, ओके सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भाई एक हैंडसेट है, इसके अंदर प्रॉब्लम है, ये काफ़ी देर से लगा रखा है और ये चार्जिंग नहीं हो रहा, इसी टाइप का लोगो आ रहा है, तो इसके अंदर सर प्रॉब्लम क्या है? सर इसके अंदर रैम और CPU का प्रॉब्लम रहता है, मोस्टली तो रैम का ही प्रॉब्लम रहता है। ओके। मगर रैम CPU दोनों ही साथ में हम रिवॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो आपका नाम सर? उमेश बालेराव सर। कहाँ से? नासिक महाराष्ट्र। बहुत अच्छी बात है, तो इसको दिखाएंगे आप करके किस तरीके से करने वाले हैं? जी सर अभी करके दिखाऊंगा। ठीक है सर। सर बताइए थोड़ा सा। इसमें सर चार्जिंग का लोगो स्टक था, ब्लिंक करता था। हाँ हाँ। DC रीडिंग लेके हमें पता चला कि इसमें रैम का प्रॉब्लम है। ठीक है, हमने CPU और रैम रिवॉल्व किया, डन हो गया सर। ओके, इससे पहले और क्या क्या किया आपने? बहुत सारे फोन किए सर। दिखाएंगे सर? हाँ सर, ये ओप्पो का A3s फोन है सर। ओके, इसमें बूट रिकवरी का प्रॉब्लम था। ओके, EMMC चेंज हुआ है। ओके, EMMC का LPE रिपेयर किया है सर इसकी। अच्छा, इसके अंदर ये लिखा हुआ आ रहा था उसके अंदर। हाँ, तो अभी ऑन है? ऑन है। तो देख सकते हैं भाई अभी इस टाइम पे ऑन है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और सर? इसमें सर शॉर्टिंग का प्रॉब्लम था, ये लावा का सेट है। ऑन हुआ? हाँ ऑन हो गया सर। ठीक है, ठीक है, ये भी ऑन हो गया। और कोई सर? हाँ है ना सर, ये रेडमी का नोट 10 प्रो है, इसमें फ्रंट कैमरा नॉट वर्किंग था। ओके, ट्रेसिंग करने के बाद पता चला CPU से लाइन डिस्कनेक्टेड है, CPU रिवॉल्व किया, कैमरा डन हो गया सर इसका भी। दिखाएंगे सर एक बार? हाँ, कैमरा चला के। बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। तो एक बार ये अपनी शॉप का एड्रेस और बताइए सर। सर मेरा शॉप नासिक कलोन में है। ओके, और मोबाइल नंबर आपका? मेरा 63। ओके, 05-27-0921। ठीक है, आप अपना ही बता रहे हो किसी और का? मेरा ही है सर, जो मुझे याद नहीं था, नया नंबर है उसके लिए। चलिए अच्छी बात है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आपने हमें काम भी दिखाया। ये काफ़ी सारे हैंडसेट है भाई जो कि इन्होंने यहाँ पे डन करके दिखाए, बहुत अच्छा लगा, और एक इन्होंने लाइव काम करके भी दिखाया। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। तो भाई वीडियो के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट हमारे साथ हैं, जैसे कि ये आप पीछे देख रहे हैं सारे के सारे खड़े हुए। एक भाई और हैं हमारे साथ जिनसे हम स्पेशल इस रिव्यू को लेने वाले हैं। सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है आबिर शाह। कहाँ से सर आप? मैं त्रिपुरा से हूँ। आप मोबाइल नंबर दे सकते हैं अपना? हाँ क्यों नहीं, 8414939458। एड्रेस सर आपका?
ओमपीनगर त्रिपुरा ओमपीनगर। बहुत अच्छी बात है सर। एक चीज बताइए, आप यहाँ पर कैसे पहुँचे, एक ये बताइए थोड़ा सा। सबसे पहले तो आपको थैंक्स, आपका वीडियो देखने के बाद ही मालूम पड़ा इतना अच्छा इंस्टीट्यूट। पहले तो मेरा दोस्त मेरा फैमिली सब बोले दिल्ली जाने के लिए, लेकिन सर का जो कॉन्फिडेंस मैंने देखा वीडियो में, जो देखा वही मिला सर, इतना अच्छा। मैंने 30 डेज में बहुत कुछ सीखा हमने। Okay. मैंने सोचा भी नहीं था डबल ट्रिगर हम डन करेंगे, मेरा तो हाथ भी कांपता था। ओके okay. लेकिन पूरा क्लीन हो चुका है। बहुत अच्छी बात है। आई फिक्स मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट सबसे बेस्ट है सर। ओके okay. और एक बात सर, वो तो बोलना ही चाहिए ना। बिल्कुल सर, सर आरिफ सर के जैसे टीचर नसीब वाले को मिलते हैं सर। बहुत अच्छी बात है। दिल से बोल रहा हूँ। और बहुत लोग है सोच रहे हैं दिल्ली जाने से बहुत भलो इंस्टीट्यूट है, अच्छा इंस्टीट्यूट रहेगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मालूम पड़ा दिल्ली से सीख कर भी कुछ नहीं सीखा यहाँ पर आए। ओके है, दिल्ली से सीखने वाले भी यहाँ पर आके सीख रहा है। मैंने ऐसे तो ऐसे मैंने दिल से बोल रहा हूँ, कोई जो सीखना चाहता है मोबाइल रिपेयरिंग, कुछ मत बोलो, कुछ मत सोचो, ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है और सीख पाओगे, कुछ सीख पाओगे। इस मोबाइल रिपेयरिंग इतना नॉर्मल चीज़ नहीं है, वो सीखने का तरीका बहुत हार्ड है, लेकिन आरिफ सर इतना सिंपल से सिखाता है, पूछो मत। और सपोर्ट भी कितना अच्छा देते हैं, मैंने क्या पूछू यार। बहुत और आरिफ सर का एक डायलॉग तो बनता ही सर, ये डायलॉग ना बोलो तो नहीं होगा। बताइए, तुम करो तो आता, नहीं करो तो नहीं आता। और वो बात सच ही है, दिल से करो तो आएगा, दिल से नहीं करोगे तो कभी नहीं आएगा। बिल्कुल, बहुत बराबर। मैं हाथ जोर से नमस्ते करता हूँ सर को, बहुत अच्छी तरह से सिखाया हूँ हम लोग। बहुत अच्छा है, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। तो एक चीज बताइए, कोर्स के हिसाब से फीस ठीक है या फीस कम रखी हुई है? बहुत कम है भाई, बहुत कम है। मैं जिस स्टूडेंट जो भी मैंने यूट्यूब में सर्च किया 60,000, 70,000, 50,000, लेकिन सर बहुत कम लेते हैं। यहाँ पर कोई रहने वगैरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अरे लग्जरी, इतना अच्छा खाना भी अच्छा, बहुत अच्छा है सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए मिलेंगे इसी तरह से आपसे फिर कभी नेक्स्ट, अगर मुलाकात होगी तो। थैंक यू सर, थैंक यू। वीडियो को कंटिन्यू करते हुए एक स्टूडेंट हमारे साथ है, चलिए हम इनसे जानेंगे क्या बताएंगे आज हमें। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम गिरीश मंडले है। कहाँ से सर आप? जी मैं आमगांव गोंदिया महाराष्ट्र से हूँ। ओके जी, तो सर आप अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस बता सकते हैं? जी मेरा मोबाइल नंबर रहेगा 8806441555। बिल्कुल सर। सर आप सबसे पहले ये बताइए कैसे पहुँचे यहाँ पर? मेरा बहुत दिन से सपना था कि मेरे को कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है। ओके, बट मैं कन्फ्यूजन था सर जी, मैं कहाँ जाऊँ। ठीक है, फिर मैंने आपके वीडियोस में भी देखा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट देखा। बिल्कुल, फिर जैसे कि सर के वीडियोस में स्टूडेंट के नंबर रहते जी, तो मैंने उनसे भी राय ली, मैंने आपसे भी पर्सनल राय ली जी। सभी ने एक ही चीज बोले, भैया हार्डवेयर अगर सही सीखना है तो आप सिर्फ आरिफ सर के पास चले जाओ, आईफिक्स मोबाइल इंस्टीट्यूट। बहुत अच्छा है जी। एक बात बोलूंगा सर, यहाँ आने के बाद में देखिए, मैं मोबाइल लाइन में बहुत पहले से था। ओके, लेकिन एक कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है जी। सर यहाँ पे मेरे को सिर्फ 15 दिन आने के बाद में मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि मैं डबल टेकर वन डे में डन कर दिया। ओके जी, और आप अपने साथ कुछ हैंडसेट वगैरह भी लाए थे? जी हैंडसेट लाए थे। क्या क्या प्रॉब्लम थी उसमें? जी एक MI का था, उसमें CPU का था, वो भी डन हो गया। ओके जी, कस्टमर के थे वो आपके? नहीं, कस्टमर के थे। बहुत अच्छी बात, जो अपने साथ में लाया था जी। जी अगर कोई यहाँ पर आने के लिए अगर आपके पास कोई कॉल करते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं? जी बिल्कुल 100% करेंगे सर। और एक जो कॉन्फिडेंस सर हमारे अंदर आया है, वही कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ जाएगा। एक चीज और बताइए, अगर वो आने से पहले आपके पास कोई काम लेकर आते हैं तो डन कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। और हो सकता है इस वीडियो को एंड कस्टमर भी देख रहे हैं, उनके फोन में कोई प्रॉब्लम हो तो उनका भी फोन रिपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपसे मिलकर भी अच्छा लगा जी। थैंक यू जी, थैंक यू। तो भाई एक भाई हमारे साथ हो रहे, चलिए इनका नाम पता करते हैं और ये यहाँ पर कैसे पहुँचे चलिए वो भी जानेंगे। तो भाई आप अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम मोहम्मद मुशर्रफ है सर। मुशर्रफ जी आप अपने मोबाइल नंबर के साथ साथ शॉप का एड्रेस और बताइए। जी मेरा शॉप कर्नाटक बिदर में है सर। ओके, अंबेडकर सर्कल पे जी, इसी मोबाइल के नाम से। ओके, मेरा नंबर 9739472938 है सर। सर एक चीज बताइए, कैसे पहुँचे आप यहाँ पर? सर मैं मेरा फ्रेंड सर्कल है सर हैदराबाद में। ओके, उनके थ्रू बोले उन्होंने कि यहाँ हैदराबाद में बेस्ट कोचिंग बोले तो आईफिक्स है। ओके, आरिफ सर बोल के
और उनसे आया सर, और मैं दूसरे इंस्टीट्यूट भी गया था, उनका बात करने का लहजा अलग था सर। ओके okay. इनसे मिलके इनका बात करने का लहजा अलग था। इन्होंने बोले कि तुम नहीं सीखे तो मैं 25 दिन में रिटर्न पैसे दे दूंगा। ओके okay. तो मेरे को एक कॉन्फिडेंट आया सर, ऐसा है कि बाहर भाई पैसे लेके बाद में गोल फिरा देते सर। हाँ हाँ। तो वो डर था सर, यहाँ आने के बाद सर को देखने के बाद वो डर मिट गया सर। तो मैं फौरन पैसे दे दिया, सर के पास आ गया, और अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं 5 साल से फील्ड में हूँ, लेकिन इतना काम नहीं करता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं हर चीज़ कर ले सकता हूँ। तो एक चीज़ बताइए मुझे, आपको कितना दिन हो गए यहाँ पर? सर मेरे को 25 दिन हो गए सर। 25 दिन हो गए, अभी आप पैसे रिटर्न लेना चाहते हैं या सैटिस्फाई हैं? सर मैं बोल रहा हूँ ना सर, सर नहीं बोल सकते, जैसे बड़े भाई के सर का समझाते हैं सर। ओके सर का अलग है सर, एकदम भरोसे के सर, ये पीरियड में भरोसा करना वो तो मुश्किल है, सर पे भरोसा कर सकते हैं सर। बिल्कुल, तो आप कोई भी काम कर सकते हैं अभी फिलहाल? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब काम कर ले सर। और वैसे भी आप पिछले 5 साल से इस लाइन में हैं? जी जी सर। आपको नॉलेज भी पहले से काफी अच्छी है, और आपके जो डाउट थे मतलब वो इंस्टीट्यूट में आके वो क्लियर हो गए। जी सर। चलिए बहुत अच्छा है, आपसे मिलके भी अच्छा लगा। और कोई भाई अगर इस वीडियो को देख रहे हैं यहाँ से और इनके आसपास जाना चाहते हैं, तो भाई का मोबाइल नंबर भी है इस वीडियो के अंदर और एड्रेस भी है, आप इनसे अपना काम डन करा सकते हैं। चलिए सर बहुत अच्छा लगा आपसे। तो भाई वीडियो को कंटिन्यू करते हुए एक स्टूडेंट हमारे साथ है, सबसे पहले नाम पता करेंगे और नाम के साथ साथ मोबाइल नंबर भी लेंगे और एड्रेस भी लेंगे। सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राहुल कदम है। कहाँ से राहुल जी? मैं महाराष्ट्र नसरापुर से हूँ। बहुत अच्छी बात है। और मेरा मोबाइल नंबर है 8421271441। बिल्कुल सर। सर आप यहाँ पे कैसे पहुँचे सर? सर मैंने आपकी वीडियो देखी थी। ओके okay. और मैं वीडियो देखने के बाद मेरे महाराष्ट्र में जो बंदा है उसको कॉल करके पूछ लिया आरिफ सर का। ओके okay. तो उसने कहा कि आरिफ सर बेस्ट है। ओके okay. मतलब मैं जहाँ से भी पूछा तो मुझे आरिफ सर का नाम बताया कि आरिफ सर बेस्ट है, आप आग बंद करके वहाँ जा सकते हो और सीख सकते हो। तो स्टूडेंट का नंबर कैसे मिला आपको? आपकी वीडियो में देखा था मैंने। ओके okay. तो आपकी वीडियो से मैंने वो नंबर लिया। तो ऐसे तो नहीं कोई फेक स्टूडेंट का दे दिया हो, रियल थे? बिल्कुल रियल है सर। बिल्कुल। यहाँ पर नहीं आए थे, क्या क्या काम नहीं कर पा रहे थे? नहीं कर पा रहा था, मुझे ट्रेसिंग में और हार्डवेयर में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। ओके okay. मतलब ज्यादा ही हो रहा था जी। तो सर के पास आने के बाद वो क्लियर हो गया। ओके okay. अभी आप कर सकते हैं? कर सकता हूं। कोई भी हैंडसेट आए? कोई भी हैंडसेट। चलिए बहुत अच्छी बात है। कुछ बनाया आपने यहाँ पे? हाँ मैंने एक शॉर्टिंग निकाली और एक लाइट आईसी का मोबाइल बनाया। ओके okay. और डबल डेकर डन कर दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है। आपकी शॉप पे काम आएगा तो कर सकते हैं ना? कर सको। चलिए बहुत अच्छा है सर, ठीक है। ओके थैंक यू।